बारिश होगी शायद। शायद हो। जब आसमान पर इतने बादल हों तो बारिश हो जानी चाहिए, मतलब साफ हो जाता है ना दुआ। तुम्हें रोता देखकर मुझे खुशी मिल रही है, पता है दुआ? ये आंसू बताते हैं कि ये शख्स अंदर से जिंदा है, खुशी और गम को महसूस करता है, जैसे चाहता है खुश रहना चाहता है। तुम कब से पत्थर बनी हुई थी, हम सब तुम्हें जिंदा और खुश देखने के ख्वाहिशमंद हैं। मुझे सच सच बताओ, तुम तकी से शादी करके खुश रहोगी या नहीं? तुम सच सुनना चाहते हो दाई? हाँ, और वो सच सुनना चाहता हूं जिससे तुम्हारी खुशियां वापस आओ। मैं तकी से शादी करके खुश नहीं रह सकती भाई। मुझे शायद सारी जिंदगी खुद को धोखा देना पड़े। मैं खुद को धोखा देकर शायद जी भी लूं, लेकिन मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती जिसमें तकी को धोखा देना पड़े। क्योंकि तुम मुस्तजाब से आज भी मोहब्बत करती हो और शायद हमेशा करती रहो, यही ना दुआ? मोहब्बत जब दिल पर लगा घाव बन जाए ना दाई, तो उस घाव का भरना इंसान के बस में नहीं रहता। उस तुझाव की मोहब्बत दिल पर लगा गहरा जख्म है, बात सिर्फ मोहब्बत की नहीं यकीन की भी है दुआ। मोहब्बत करती हो उससे मानता हूं, लेकिन क्या यकीन भी करने लगी हो उस पे? अगर कोई जबान से मुसलमान होने का इकरार करे दाई, तो अल्लाह क्या हुक्म देता है कि उस पर यकीन करो या नहीं? यकीन करो, लेकिन उस यकीन के सहारे अपनी कश्ती मंझधार में ना उतारो। मेरा तो यही मशवरा है, एक बार उसी भंवर में फंसकर बाहर निकली हो तुम दुआ। कहाँ निकली हूँ भाई, कहाँ निकली? उसने पुकारा तो मुझे लगा भंवर से जो निकला वो मेरा वजूद था, तो अभी वही अचकोले खा रहा है। तुम्हारा दिल बजिद है, फिर आजमाओगी उसे, फिर उसी दरिया में कूदोगी, नाता तकी से नहीं, मुसरियाब से जोड़ना चाहोगी तुम अगर तुम्हें इख्तियार मिले। दुआ, तुम्हारी खुशियां आज भी मुस्तजाब से वापस है, तकी तो रास्ते में कहीं है ही नहीं, तो ठीक है,